हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर को। तो देखिए, आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि आपको बीए सेकंड ईयर के सभी चैप्टर करवाए जाए, और आपकी ही रिक्वेस्ट पर मैं ये करवा रही हूँ। और देखिए, जितना भी होता है, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो मैं करवाती हूँ आपको राइटर के बारे में। तो देखिए, इसका राइटर है जो स्टीफन लीकॉक है। तो अब मैं देखिए राइटर के बारे में क्यों बताती हूँ, क्योंकि जो राइटर के व्यूज़ होते हैं, जो भी राइटर का ओपिनियन होता है उस चैप्टर के अंदर, जो उसने लिखा है वो उसमें ज़रूर दिखाया जाता है। और अगर हमें राइटर की इंटेंशन के बारे में पता है, उसके व्यू के बारे में पता है, उसके ओपिनियन के बारे में पता है कि वो क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, और वो लिखता किस स्टाइल में है, किस जेनर में लिखता है, तो हम ईजिली समझ जाते हैं कि उसने इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा होगा। तो देखिए, स्टीफन लीकॉक है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो स्टीफन लीकॉक है, इनका पूरा नाम क्या है, आपको यहाँ हर चीज़ बारीकी से समझनी है, क्योंकि अगर आपको एक एक चीज़ यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है, अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए, या फिर आपका एसे टाइप या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आप हर क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर पाऊंगे। तो देखिए, स्टीफन लीकॉक है, इसका फुल नाम क्या था, देखिए स्टीफन लीकॉक का पूरा नाम था स्टीफन पी एच बटलर लीकॉक। स्टीफन पी एच बटलर लीकॉक इनका फुल नेम था। और देखिए, इनका बर्थ और डेथ के बारे में हमें पता होना चाहिए। इनका बर्थ हुआ था इंग्लैंड में, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और डेथ की बात करें तो डेथ कहाँ पर हुई थी इनकी, तो हुई थी इनकी डेथ कनाडा में। ये एक कैनेडियन राइटर थे, कनाडा में इनकी डेथ हुई थी, क्योंकि एक पूरी उम्र अपनी इन्होंने कहाँ पर स्पेंड की थी, इन्होंने कनाडा में ही अपनी लाइफ को स्पेंड किया था। कब हुआ था इनका बर्थ, इनका बर्थ हुआ था 1869 में, और इनकी डेथ हुई थी 1944 में। और देखिए, जो इनका लिखने का स्टाइल था, ये क्या लिखा करते थे, ये हमेशा ह्यूमर लिखा करते थे। ह्यूमर क्या होता है, ह्यूमर होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरों को अम्यूज कर देती है, यानी दूसरों को खुश कर देती है, यानी ह्यूमर हंसी मजाक से रिलेटेड ये लिखा करते थे। पर ह्यूमर के साथ साथ ये क्या करते थे, लोगों की फुलिज पर, फुलिज क्या होता है, मूर्खता, लोगों की फुलिज पर ये कमेंट भी किया करते थे, यानी उनकी मूर्खता पर ये एक सटायर किया करते थे, कटाक्ष भी किया करते थे, यानी ये मजाक दिखाते थे। इनके व्यूज़ क्या होते हैं, इनके ओपिनियन क्या होते थे, इनके सभी चैप्टर्स हैं, जितने भी इन्होंने वर्क राइट किए हैं, जितने भी लेख लिखे हैं, उनमें ये हमेशा हंसी मजाक दिखाते थे, और उसके साथ साथ लोगों की फुलिज पर भी कॉमेंट या सटायर किया करते थे। जब आपको इतनी चीज़ें पता चल जाती है, तो आप इजीली कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें आप इनको राइट कर सकते हैं, अगर राइटर के बारे में थोड़ा सा भी आपसे पूछ लिया जाए तो। उसके बाद देखिए, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए, इतनी बातें हुई, स्टीफन लीकॉक का फुल नेम क्या है, इनका बर्थ एंड डेथ हमने जाना कि कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी। उसके बाद हमने जाना कि ये लिखते किस स्टाइल में थे, ये ह्यूमर लिखा करते थे, और इसके लिए देखिए ये वर्ल्ड वाइड फेमस थे। तो किस चीज़ के लिए फेमस थे, ये फेमस थे अपने ह्यूमर के लिए, यानी अपने हंसी मजाक के लिए, और हंसी मजाक में ही लोगों पर व्यंग्य के लिए ये प्रसिद्ध थे। उसके बाद देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द फोटोग्राफर। अब देखिए, विद द फोटोग्राफर, इसके बारे में हमें जानना है। सेकंड चीज होती है जो मैं यही आपको बताती हूँ राइटर के बाद हमारे चैप्टर के बारे में, कि चैप्टर क्या है और कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, चैप्टर की बात करें तो देखिए, इनका एक लिटरेरी कलेक्शन था, एक लिटरेरी कलेक्शन, यानी कि लिटरेचर में, साहित्य में इन्होंने एक कलेक्शन लिखा था। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन होता है बहुत सारे चैप्टर्स स्टोरेज का एक
समूह, एक ग्रुप, यानी जब सारे पॉइंट्स को, जब सारे चैप्टर्स को एक ही बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, सभी को एसिमिलेट कर दे, सभी को मिला दे आपस में, तो उसी को हम बोलते हैं कलेक्शन। तो इन्होंने बहुत से चैप्टर लिखे थे, उनमें से इस बुक से, इस कलेक्शन में से कलेक्शन का नाम क्या था, उस कलेक्शन का नाम था बिहाइंड द बियॉन्ड एंड अदर कंट्रीब्यूशन एंड अदर कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन नॉलेज, टू ह्यूमन नॉलेज। तो देखिए ये इनके कलेक्शन का नाम था, और इस कलेक्शन में से ही, यानी कि इस पूरे बुक में से, इस पूरे कलेक्शन में से एक चैप्टर, कलेक्शन में क्या होता है, बहुत से चैप्टर होते हैं, मैनी चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं किसी कलेक्शन के अंदर, और उस कलेक्शन में से एक चैप्टर का नाम है विद द फोटोग्राफर। तो देखिए विद द फोटोग्राफर के बारे में आपने जाना कि कहाँ से ये लिया गया है ये चैप्टर। अब इस चैप्टर के बारे में हम अंदर से पढ़ते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। तो देखिए आज हम इसके करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन करैक्टर है इसमें। अगर आपको करैक्टर का पता है तो डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट शॉर्ट, तो आप डायरेक्ट इनके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करैक्टर के बारे में। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसकी सेटिंग कहाँ की है। ये जो शॉर्ट स्टोरी है, क्या है ये, एक शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, एक छोटी सी कहानी हो सकती है, शॉर्ट स्टोरी। तो ये शॉर्ट स्टोरी है जो इसकी सेटिंग कहाँ पर है, विद द फोटोग्राफर। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि विद द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर है, तो सारी सेटिंग कहाँ की होगी, एक फोटो स्टूडियो की होगी। आपको देखिए चीज़ें लिंक करते हुए चलना है। अगर चैप्टर का नाम पता है, चैप्टर का नाम पता है तो उसकी सेटिंग भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि क्या सेटिंग की गई है। तो देखिए फोटोग्राफर कहाँ पर होते हैं, फोटो स्टूडियो में। फोटो स्टूडियो में ही सारी स्टोरी हमारी चलती है कि फोटो स्टूडियो के अंदर कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन करैक्टर है जो यहाँ पर होते हैं फोटो स्टूडियो के अंदर, और यहीं पर हमारी पूरी कहानी चलती है। ये छोटी सी कहानी है जो एक, तो देखिए जो करैक्टर्स है, अब हम करैक्टर्स पढ़ रहे हैं इसके। तो करैक्टर्स में सबसे पहला करैक्टर है वो है नरेटर। तो देखिए नरेटर है जो, नरेटर के बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा। एक तो नरेटर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। नरेटर वो होता है जो किसी स्टोरी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है। डिस्क्राइब करना क्या होता है, डिस्क्राइब करना होता है नरेट करना। नरेट होता है किसी को सुनाना, कोई स्टोरी जब हम किसी को सुनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टोरी को नरेट करना। आपको बिल्कुल इजी वर्ड्स में यहाँ पर समझाऊंगी मैं। तो नरेटर कौन होगा, जो स्टोरी को सुना रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है स्टोरी का। तो नरेटर देखिए एन अननेम्ड 40-year-old मैन। तो ये जो स्टोरी सुना रहा है, अपने बारे में बता रहा है जो, वो कौन है, यहाँ पर एक अननेम्ड पर्सन है। अननेम्ड क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं है, नेम होता है नाम, अननेम्ड क्या हुआ, जिसका कोई नाम नहीं होता। तो एक अननेम्ड पर्सन है यहाँ पर, जो कितने ईयर का है, वो है 40-year-old मैन है, यानी 40 साल का एक आदमी है। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवल, नोवल या फिर इसको हम कह सकते हैं स्टोरी हमारी, जो ये हमारी स्टोरी है इस छोटे से नोवल का, इस स्टोरी का, स्टोरी लेकर चलिए आप, स्टोरी है ये एक, तो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, प्रोटैगनिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसके चारों तरफ स्टोरी चलती है, जैसे कि एक मूवी में हीरो होता है, हीरो का रोल मुख्य होता है, तो प्रोटैगनिस्ट भी क्या होता है, एक नायक होता है, एक हीरो होता है प्रोटैगनिस्ट भी। तो इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, ये नरेटर ही है, यही हीरो है इस स्टोरी का। वॉन्ट्स अ फोटोग्राफ, ये क्या चाहता है, एक फोटोग्राफ चाहता है, यानी कि देखिए चैप्टर का नाम क्या है, विद द फोटोग्राफर। तो ये क्या चाहता है, एक फोटोग्राफ चाहता है, अपनी फोटो चाहता है क्लिक करवाना, ऑफ हिमसेल्फ, खुद की, सो दैट आफ्टर हिज डेथ, ताकि उसकी डेथ के बाद, आफ्टर बाद में, तो अपनी डेथ के बाद में वो क्या कर सके, ही कैन बी अलाइव, वो जिंदा रह सके। अब मरने के बाद जिंदा रह सके, मरने के बाद जिंदा कैसे रह सकते हैं, इन द मेमरीज, वो सिर्फ यादों में जिंदा रह सकते हैं। और यादें कौन, किसके लिए, ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने
फ्रेंड्स के लिए, यानी कि वो फोटोग्राफ चाहता है तो किस लिए चाहता है, ताकि वो मर भी जाए तो अपने फ्रेंड्स की यादों में, उनकी मेमोरीज में क्या रहे, वो अलाइव रहे, जिंदा रहे वो। लव्स ओरिजिनलिटी, और ये नरेटर है जो वास्तविकता से प्रेम करता है, उसे आर्टिफिशियलिटी और फेकनेस, उसे जो नकलीपन होता है, एक दिखावटी चीज़ें होती है, उसे वो चीज़ें वो पसंद ही नहीं है। तो नरेटर कैसा व्यक्ति है, वो क्या चाहता है कि रियलिटी हो हमेशा, ओरिजिनलिटी हो। वो फोटोग्राफ में भी क्या चाहता है, अब ये चीज़ें वो अगर पसंद नहीं करता, आर्टिफिशियलिटी उसको पसंद नहीं है और फेकनेस उसको पसंद नहीं है, यानी वो दिखावटी फ़ोटो नहीं चाहता, वो क्या चाहता है कि जो फोटोग्राफ है उसकी कैसी हो, ओरिजिनल हो, जिसमें वो जैसा है वास्तविकता उसकी वैसे ही उस फोटोग्राफ के अंदर दिखाई दे, यानी जैसा वो दिखता है ठीक वैसा ही वो फोटो के अंदर दिखाई दे। यानी फोटो को आजकल देखिए, आपको पता है आजकल किस टाइप के लोग हैं, क्या पसंद करते हैं ज़्यादा, क्या किसी स्टूडियो पर जाकर फोटो लेना पसंद करते हैं कोई, बहुत कम होता है ऐसा, सिर्फ मैरिज वगैरह में ही होता है। पर ज़्यादातर लोग हैं जो वो क्या पसंद करते हैं आजकल, सेल्फी, क्योंकि सेल्फी का जमाना है, आप सभी को पता है, हर व्यक्ति क्या चाहता है, सेल्फी, यानी खुद के ही फोटोग्राफ खुद लेना चाहता है। पर यहाँ पर जो ये नरेटर है वो क्या चाहता है, क्योंकि पहले का टाइम है ये, उस टाइम में सेल्फी का जमाना नहीं था। देखिए सेल्फी है जो हर व्यक्ति के द्वारा ली जाती है, पर पहले क्या होता था, लोग स्टूडियो पर जाते थे, तो नरेटर है, नरेटर भी स्टूडियो पर जाता है, वो सेल्फी नहीं लेता। तो देखिए स्टूडियो पर जाता है तो वो क्या चाहता है कि उसकी फोटोग्राफ कैसी हो, बिल्कुल रियल दिखाई दे, जैसा वो दिखने में है ठीक वैसे ही उसकी अपीयरेंस हो, यानी कि वो दिखने में फोटोग्राफ के अंदर भी सेम हो। तो ऐसा व्यक्ति है ये नरेटर, 40 साल का ये व्यक्ति है, और आर्टिफिशियलिटी को वो पसंद नहीं करता, फेक चीज़ों को वो पसंद नहीं करता। उसके बाद देखिए द फोटोग्राफर, अब देखिए विद द फोटोग्राफर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम फोटोग्राफर को समझते हैं। तो ये वही फोटोग्राफर है जो चैप्टर के नेम में है। तो ये फोटोग्राफर है जो एक थिन मैन है, थिन क्या होता है, पतला सा बिल्कुल, तो पतला सा ये आदमी है विद ड्रूपिंग बॉडी। ड्रूप क्या होता है, ड्रूप होता है झुकी हुई सी, थोड़ी बैंड की हुई होती है, मुड़ी हुई सी बॉडी, ट्विस्टेड होती है। तो देखिए ये थोड़ी मुड़ी हुई सी बॉडी का है, यानी कि उसका शरीर कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, थोड़ी सी झुकी हुई है। इन अ ग्रे सूट, और उसने ग्रे कलर का सूट पहना है, यानी कि जो भी पैंट कोट शर्ट जो भी उसने डाली है तो वो कैसे कलर की है, ग्रे कलर की है। विद द डिम आइज, और उसकी आइज कैसी है, धुंधली सी, यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी सी आइज है। लुकिंग लाइक अ नेचुरल साइंटिस्ट, जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं, हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से इन्वेस्टिगेट करते हैं, अच्छे से देखते हैं, बिल्कुल बारीकी से सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ठीक साइंटिस्ट के जैसा ही वास्तविक, नेचुरल यहाँ पर क्या होगा कि वास्तविक साइंटिस्ट के जैसा लगता है वो देखने में, कि जैसे कोई वैज्ञानिक हो वो। डू नॉट शो एनी एंथुजियाज्म फॉर हिज कस्टमर्स, जब उसके कस्टमर आते हैं तो उसमें कोई भी एंथुजियाज्म नहीं होता। एंथुजियाज्म क्या होता है, एक झील, झील मीन्स एक जोश, यानी कि जब क्या होता है, देखिए हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, कोई शॉपकीपर होता है कितने अच्छे से बिहेव करता है, खुश हो जाता है जब उसके कस्टमर्स उसकी शॉप पर आते हैं। पर यहाँ पर ये किस टाइप का व्यक्ति है, तो ये इस टाइप का व्यक्ति है कि कोई उसके शॉप पर आया है तो उसे किसी टाइप का उत्साह नहीं होता, किसी टाइप की एक्साइटमेंट नहीं होती कि मेरा कस्टमर आया है, जबकि उसकी शॉप है बिल्कुल खाली पड़ी होती है, उसके बाद भी उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो ये टू करेक्टर्स है, तो देखिए इनसे ही क्या बना है हमारे चैप्टर का नेम, विद द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के साथ। अब ये फोटोग्राफर के साथ कौन है, तो वो है हमारा नरेटर। तो दो ही करेक्टर है इस चैप्टर के अंदर जो हमें पता होने चाहिए। अगर आपसे नरेटर के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि किस टाइप का व्यक्ति है नरेटर, तो वो 40 ईयर ओल्ड मैन है, आपको पता चला, और क्या है वो प्रोटैगनिस्ट है, यानी नायक है इस स्टोरी का, हीरो है वो। वॉन्ट्स ए फोटोग्राफ, क्या चाहता है वो, एक फोटोग्राफ चाहता है ताकि उसके मरने के बाद भी उसके फ्रेंड्स की यादों में वो जिंदा रहे, और वो ओरिजिनलिटी को पसंद करता है रादर देन आर्टिफिशियलिटी, यानी कि नकलीपन को वो पसंद नहीं करता। इसके बजाय वो किसको प्रायोरिटी देता है, वो देता है वास्तविकता को। सेकंड करेक्टर है जो ये फोटोग्राफर, तो देखिए विद द फोटोग्राफर, इस फोटोग्राफर के साथ नरेटर है और दूसरा फोटोग्राफर है। तो ये फोटोग्राफर आपको पता चला कैसा है, पतला सा व्यक्ति है, झुकी हुई उसकी बॉडी है, और ग्रे सूट उसने पहना हुआ है, उसकी आइज है धुंधली सी, छोटी छोटी आइज है, और कैसा लगता है देखने में, जैसे कोई नेचुरल साइंटिस्ट हो, और वो कभी भी अपने कस्टमर्स के आने पर किसी टाइप का जोश नहीं दिखाता, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता। तो ये हुए हमारे करैक्टर्स,
और हमने राइटर के बारे में थोड़ा जाना और चैप्टर के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की समरी।